गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं उठ के क्या सब मॉर्निंग वॉक नहीं गए थे, बहुत ज़्यादा ही बहुत बारिश हुआ था रात को एंड सुबह भी हो रहा था। आज दीदी का बर्थडे है, देखते हैं क्या करेंगे, आप सबको दिखाएंगे। तो ये काइंड ऑफ बर्थडे ब्लॉग भी होने वाला है, सो अभी वो देख रही होंगी। तो हैप्पी बर्थडे दी एंड आप खुश रहो, आप जी हजारों साल। तो या गाइस, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। सो अभी लाइट भी चल रही है, बता देती हूँ हम लोग ने क्या क्या लाया था। कंचन गए थे स्टोर, ठीक है, तो क्या ही देखा ना, आप लोग को तो पता ही होता है कि बर्थडे में क्या 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 चीज चाहिए होता है। बट फिर भी मैं दिखा देती हूँ, ये पार्टी पॉपर है और ये बलून्स है, ठीक है। मंदिर के लिए एक बड़े अब यानी कि किरण जी की मम्मी के लिए, और ये है ताऊजी के लिए जो कि है किरण जी के पापा। हमारे ताऊजी लेते तो मैं उनकी बनी, मेरे दो ताऊजी बने हैं, पापा के दोस्त तो ताऊजी बने हैं। तो ये है क्वार्टर प्लेट जो कि खाने में यूज होता है, तो ये भी मैंने दिखा दिया क्या क्या है, दिखाना तो पड़ता है। तो ये है बर्थडे गर्ल का ये, क्योंकि क्योंकि ये क्राउन है वो भी पर्पल है, तो मैंने सोचा कि ये भी पर्पल ही ले लेते हैं। और ये हमने लाया है, हाँ ये स्नो स्प्रे है, बाय द वे बहुत ज़्यादा क्रेजी होने वाला है। और ये जो ये वाला जो है इधर है ये यूज करते हैं, मैं दिखा दिया ना प्रोसेस दिखाऊँ जब यूज करते हैं। और ये न्यू स्टाइल का ये वाला कैंडल्स है ना, तो या और बाकी तो इतना ही है। और जो कितना लोग आएंगे, 20 या 25 जन आएंगे, उनके लिए खाना में जो खाने में तो क्या ही होता है, चिकन होगा, राइस और पल्स होगा, पल्स दाल यानी, और वेज सब्जी होगा और शायद पकौड़ा वगैरह कुछ होगा बनाएंगे, एंड कोई प्लेट्स वगैरह लाए हैं प्लेट्स। तो बस दीदी को ना हर एक चीज़ सिंपल है, ज़्यादा से ज़्यादा भी सिंपल ही है। ये है 25, ये छोटे छोटे सा बाटीज है ना। और ये डिस्पोजल ग्लासेस एंड इसमें है, इसमें भी 25 वो है, 25 प्लेट्स है ये, और बड़ा बड़ा बिग प्लेट्स एंड ये स्पून्स बोतल भी है। तो यही है बस, एंड क्वार्टर प्लेट को मैंने आपको दिखाई दिया है दोबारा, है ना। तो इस सब पता नहीं डेकोरेशन, हम सोच रहे हैं कि खाना खाते ही बैठे लंच, बट उसमें आ गई होंगी क्या करें अभी, हम उसके में देखिए कुछ ना कुछ तो होता है। जिस आज नाश्ते में भी ज़्यादा कुछ है भी नहीं बनेगी, मम्मी बोल रही थी कि जितना हो सके सिंपल करेंगे, है ना। तो इस मेरे लिए भी रखती थी ताकि डेकोरेशन करते वक्त हमें आसानी हो। तो या अभी मैं आप सबसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, ठीक है गाइस। ये मटर और साथ में मूरी खाएंगे, मूरी के साथ। तो यस, मैं भी ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद आप सब सुन लेते हैं, फटाफट से ब्रेकफास्ट करने के बाद ना होगी। तो या
तो अभी हम खा रहे हैं आम, ब्रेकफास्ट भी कर लिया है एंड अभी हम थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी बारिश स्टार्ट हो गया है तो अभी थोड़ी देर बाद हम जाएंगे दुकान। वो बलून्स हमने कल नहीं लाए थे, जो मीन्स पार्टी बलून्स लाए थे, दूसरा वाला बलून जो नहीं लाए। नहीं सुन, एक बार सुनो तो, तुम ब्लॉगिंग पार्ट दो पार्ट करके भी तो कर सकती हो। पार्ट वन में सुबह वाला और पार्ट टू में नहीं। नहीं वो सिर्फ बर्थडे ब्लॉग ऐसा पार्टी ब्लॉग में होता है, डेली ब्लॉग में ऐसा नहीं होता भाई। अभी पार्टी ब्लॉग चल रहा है ना, इसलिए अब दो पार्ट बनाएंगे इसका, शायद दो पार्ट वन और पार्ट टू हो सकता है, लंबा हो सकता है। आ जाएंगे पार्ट पता नहीं क्या क्या करता फिर। अगर मैं आप सब थोड़ी देर बाद मीन्स ब्लॉग था उसमें इतना प्यार दिखाया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बोल दो, थैंक यू। बड़ी मम्मी दाल भी होकर लग गया लंच के लिए, कि उस लंच के लिए खिला दो। एंड ब्रेकफास्ट हमने खा लिया भाई साहब, फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन। तो लहसुन पानी में भिगो कर लग दिया, लंच में भिंडी, भिंडी लाइक सीरियसली। तो ये अभी मैं फटाफट से नहाने गई, क्योंकि बड़ी बड़ी माँ अंदर वॉशरूम में, तो कैसे जाऊँ नहाने, तो वो जैसे निकलेंगी वॉशरूम से मैं जाऊँगी। तो ये इसको पहले भिगो कर रख दिया, और ये जो इसका ये छीलने में आसानी होगा इसलिए। तो इस ये वहाँ से इधर मस्ती कर रहे हैं। ओ मेरा दांत, ओ सॉरी सॉरी, इसका दांत क्या सीन हो गया था उस। तो यस आज आपका नातिनी का बर्थडे है, कैसा लग रहा है किरण? नातिनी का बर्थडे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बड़ी नातिनी है। और आप चली जाएंगी 30 तारीख पे, फिर से घर सुना सुना हो जाएगा, नहीं होगा सुना सुना, आराम हो जाएगा सब, सुना सुना होगा। तो 30 तारीख को चली जाएंगी फिर घर सुना सुना, स्पेशली मुझे होगा खाली न्यूज़, दिन भर न्यूज़ देखते रहते। ओके इधर लंच की प्रिपेयर आज जल्दी करेंगे, लंच की डेकोरेशन और खाना पकाना पड़ेगा ना। तो लंच में भिंडी बन रहा है, मेरा फेवरेट। तो ये निकाल लेते हैं, कल लाए थे बड़े पापा, तो इसको थोड़ा गर्म से कर लेते हैं भैया मैं, और थोड़ी देर में किरण दीदी भी आ जाएंगी, तो उसके बाद साथ में खाएंगे। बट अभी फिलहाल भैया मैं और भाई खाएंगे, किरण को रख देंगे क्योंकि लेट होगा, तो इसलिए थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, ठीक है चलो।
कुछ ना कुछ काम आते ही जा रहा है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। और पापा, ताऊ जी और बड़ी माँ अभी मटर वगैरह छील रहे हैं। एंड अभी थोड़ी देर में आ जाएगी हमारी जो बर्थडे कल है, सो उससे पहले मैंने सोचा कि शावर ही ले लेती हूँ। एंड या अभी मैंने स्किन पे मीन्स फेस पे फेस पैक लगाया है जिसमें इंक्लूडेड है नीम और सिर्फ बेसन, सिर्फ दो इंग्रीडियंट्स और कुछ नहीं। तो या विवेश आप लोग जैसे शावर लेने के बाद ये फाइनल वाला बोलो, क्योंकि पिछले में भी मैंने बोला था, इससे पहले जो क्लिप आपने देखा तो उसमें बोला था मैंने कि शावर लेने जाऊँगी बट कुछ ना कुछ हो ही जाए, तो इसलिए तो फाइनल मैं अभी शावर लेने जा रही हूँ, इसके बाद आप सबसे मिलते ठीक है, तब तक दीदी भी आ जाए शायद। तो गाइस मैं शावर लेके आ गई हूँ एंड अभी मैं स्किन केयर करने जा रही हूँ एंड अभी स्किन को मॉइस्चराइज कर लेते हैं, सनस्क्रीन लगा लेते हैं। अभी दीदी आने वाली होंगी, शायद निकल रही है शायद रूम से। एंड या भाई भी आ गया एंड भाई इग्नोर करो बैकग्राउंड म्यूजिक, सब अपने काम पे लगे हुए हैं, अब हम भी लग जाते हैं ठीक है। और सालबड़ी से भी रिलेटिव्स वगैरह आएंगे 12 बजे आएंगे शायद, और बहन लोग भी आएंगी तो उनसे हेल्प ले लेती हूँ थोड़ा सा डेकोरेशन में। दीदी को तो बिल्कुल भी एक सेकंड भी वो नहीं लगने दूंगी कि सरप्राइज़ वगैरह, सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे, वो जो हिंट था ना वो भी नहीं देने दूंगी, वरना देंगी नहीं। इतना खर्चा क्यों करे, क्यों किया मेरा बर्थडे इतना सरप्राइज करके, क्या कुछ भी नहीं करने देंगी भाई, तो इसलिए सिक्योरिटी रखना है। तो यस आई होप उनको पता ना चले, वरना पता चल गया तो दी एंड हो जाएगा। तो यह थोड़ी देर मिलती हूँ एंड मैं सोच रही हूँ अभी तो टाइम नहीं मिलेगा, फटाफट से एक 4-5 रील शूट कर लेती हूँ, सोच रही हूँ देखते। चलो इतना एक्साइटेड हो गई थी तो मैंने दीदी को फोन लगा रही थी और बात बात कर रही थी कि कहाँ पहुँची, अपने रूम से निकली कि नहीं आने के लिए। तो या हम बात बात कर रहे थे और वो बोल रही थी कि हाँ मैं आ रही हूँ, बस थोड़ी देर लगेगा बट पहुँच जाऊँगी टाइम पे, 11-12 बजे करीब पहुँच जाऊँगी। तो यही बातें कर रहे थे एंड या वो यहाँ दिखा रही है मैं किधर पहुँची बोल के। तो बस अभी वो आएंगे, उसके बाद देखते कुछ प्रिपरेशन कर लो, उनको पता नहीं चले जाए। ये देखो आ गए बर्थडे गर्ल, आ गए किरण वा, आ गए बर्थडे गर्ल वो कौन काम करवाया, कौन काम करवाया दीदी लोग बिहार जा रहे हैं कल। उनका बर्थडे था तो इससे पहले भाभी जी का हो गया तो इन्होंने गिफ्ट नहीं दिया था, ये लाई है गिफ्ट। कमेंट में बताया अच्छा लगा कि नहीं, मुझे तो अच्छा लगा, इतना अच्छा है, अच्छा लगा। यस यस आपका चॉइस वैसे भी सुंदर ही होता है, खुद सुंदर हो तो चॉइस भी अच्छा होगा ना। फिर से मोबाइल नहीं, हाँ ठीक है अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन। क्या कुछ पहला बेड में इधर लगाना पड़ेगा इसको, ये कौन कौन सा चाहिए, ये तो अभी नहीं चाहिए, ये दोनों ही चाहिए फिलहाल, तो अभी करते हैं फिर। चलो लेट्स बिगिन द प्रिपरेशंस, आर यू एक्साइटेड। बाय द वे दीदी आ गई नीचे बैठी, तो हमने सोचा कि क्यों ना स्टार्ट कर लिया जाए, अभी तक नहीं चाहिए।